साइर जी आपका खैर मुकदम में हमारे इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हमें इस कैलीग्राफी में के बारे में बोले कि आपका ये शौक बचपन से ही था कि बीच में ही कुछ ऐसा आ, नहीं आ, मैं पेंटिंग्स वगैरह बचपन में करती थी बट कैलीग्राफी मुझे पसंद थी पहले से ही मतलब द वे इसे लिखा जाता है और हमेशा जब मैं स्कूल में स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं हैंड राइटिंग पर बहुत फोकस करती थी कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरती यू नो अट्रैक्शन होती थी मुझे उससे उसी वजह से मुझे कैलीग्राफी भी पसंद थी तो जब आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में ही आपने अरबिक का किया कि पहले नहीं नहीं मैंने हमेशा मुझे अरबिक कैलीग्राफी पसंद है इंग्लिश में नहीं मुझे अरबिक को देख के यू नो मेरा मेरा दिल खुश होता है मुझे सुकून मिलता है एंड मैं हमेशा बोलती हूँ जितने भी स्टाइल्स वो करते हैं इन शहम मेरी उम्मीद है कि मैं वो सारे सीखूँ तो स्टार्ट आपने किस पे किया है आ, स्टार्ट मैंने पहले मैंने आपको बोला ये है मतलब एक कोविड के दौरान तो मैं मैंने अपनी एक लाई थी बुक उस पर मैं शुरू मैंने किया सूर्य यासिन लिखना और जो मुझे अच्छा लगता था ना मतलब अल्लाह ताला के नाम लिखना प्रॉफिट प्रॉफिट्स के नाम लिखना तो वो शुरू हो गया फिर मुझे लगा आ, मैं कैनवस पे स्टार्ट कर लेती हूँ तो फिर मैंने कैनवस पे स्टार्ट किया बट वो मैं शौक के तौर पे कर रही थी ना मतलब बीच बीच में ज़्यादा नहीं जब टाइम मिलता था तब करती थी तो दौरान सपोर्ट फैमिली या कोविड दौरान सारी फ्री मे कोविड दौरान मतलब ज़्यादा टाइम तथा पेंट बिकाज टाइम उस सी नी वट अल्टेटली पुर मे ज्यादा मतलब दर पे वरी पे मैं आलमोस्ट हफ्त मोर दलमस्ट बहुत अवान तौरान उस मे मन फुले सब बनिया असल ये प्निस ग्रस ख मतलब थोड़ा ब्रोट बे बना ऑन अ लार्जर स्केल बिकॉज यू आर डूइंग वेरी गुड ये उनका कहना था तो शायद मेरे फादर की वो बात मेरे जहन में आ गई और आ, मैंने ये शुरू किया तो एक कनवास बनाने में कितना आपको टाइम लगता है टाइम uh, लगता है क्योंकि बस आ चीज़ बुस गैक ग्राउंड तर कोशिश खूबसूरत रोज ते बो कैलीग्राफी लखाना तो यु जीज तो में बैकग्राउंड गोल कंप्लीट बक ग्रौ ना कैलीग्राफी स्टार्ट करना ऑलमोस्ट लगान अगर ज्यादा डिटेलस मह लखनिया लैख तथा पांच शे कंटिन्यू इंसान कर ना तो हम तो पेट पे लगे मगर अगर जब अड लह अल अकबर सुबहानल्ह तम लगान कह

नहीं फैमली वह एप्रश करा यंट्रस्ट कलब मे खुद ये बहुत मगर तिन्द शायद ही बस विकेट तो क्या कुछ मेसेज देना जिन लोगों में टेलेंट है, है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कश्मीरी यूथ में बहुत टलेंट है मतलब मैं जनरली सोशल मीडिया पे जब देखती हूँ जैसे बाहर का कंटेंट देखती हूँ यहाँ के नौजवान आजकल के मैं देख रही हूँ बहुत इंटेलिजेंट है बहुत टैलेंट है उनमें बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और मेरे हिसाब से पेरेंट्स को अपने बच्चे का हुनर एक्सेप्ट करना चाहिए इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई डॉक्टर बने हर कोई इंजीनियर बने यू you नो know, कश्मीर में एक स्टेज आ गई थी सारी फैमिलीज़ डॉक्टर और इंजीनियरिंग पे ही फोकस कर रही थी मगर मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऐसा टैलेंट है वो उनसे भी आगे चले गए सो so, माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम बुआ नीति के बच्चों को भी समझना चाहिए कि जो उनकी इनिशियल स्टेज होती है उस टाइम पे वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करें मगर पढ़ाई पे भी फोकस करें जब बेस उनकी स्ट्रांग होगी इन रहमान अल्लाह की मदद से वो आगे भी बढ़ सकते हैं फिर किसी भी फील्ड में हमारे तो साथ बात करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया।